हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 7 थिंग्स की जो आपको कंसीडर करनी चाहिए व्हाइल अप्लाइंग योर कनाडा विजिटर वीजा। सो वीजा ऑफिसर जो है आपकी एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें देखते हैं या क्या क्या चीजों को जो है इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। सो जब भी आप अपना कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको एम्प्लॉयड होना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो यस है। वीजा ऑफिसर देखते हैं कि आपके पास जो है आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो या नहीं, ताकि आप अपनी कंट्री में अच्छी इनकम अर्न कर रहे हो तो ही जो है आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट टाइज जो होती है अपनी कंट्री में स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे जो है आपका वीजा के अप्रूवल चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड आ जाती है इंटेंशन टू विजिट। इंटेंशन टू विजिट जिसको आप पर्पज ऑफ विजिट भी बोल सकते हो, वो भी चीज़ें आपको जो है अपनी मेंशन करनी होती है अपनी कवरिंग लेटर में कि आप उस कंट्री में यानी कि कनाडा में क्यों जाना चाहते हो, क्या क्या देखना चाहते हो, तो इसका भी जो आंसर है यस है। नेक्स्ट आ जाता है बैंक बैलेंस। तो वीजा ऑफिसर जो है आपका बैंक बैलेंस भी देखते हैं कि आपके पास इनफ सेविंग्स है कि आप जो है इस विजिट में अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं और 2 लाख की ही टिकट मिल रही है और 1 लाख के जो है होटल बुक हो रहे हैं और आपके पास इनफ फंड्स नहीं है, तो आप जो है अपनी सारी सेविंग्स जो है एक छोटे ट्रिप पे 10-15 दिन के ट्रिप पे जो है स्पेंड नहीं कर सकते। वीजा ऑफिसर देखते हैं कि आपके पास कितनी सेविंग्स है, आपने कितनी सेविंग्स की हुई है कि कितना इस पे ट्रिप पे खर्चा आ सकता है, तो ये चीजें भी वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। जो कनाडा के वीजा ऑफिसर्स हैं वो राइट नो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक नहीं कर रहे, इवन आपकी प्रीवियस रिफ्यूजल्स हैं या आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपने कभी भी कोई वीजा अप्लाई नहीं किया तो भी जो है वीजा ग्रांट कर रहे हैं। सो वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को इतनी जो है प्रायोरिटी नहीं दे रहे। सो नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रीवियस रिफ्यूजल्स। तो क्या वीजा ऑफिसर्स आपकी प्रीवियस रिफ्यूजल्स को देखते हैं? डेफिनेटली वो आपकी प्रीवियस रिफ्यूजल्स को देखते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे। इवन आपकी अगर प्रीवियस रिफ्यूजल्स हैं तो भी आपके जो है वीज़ा आने के चांसेस जो है काफ़ी रहते हैं, अगर आपको उसको अपनी नई एप्लीकेशन में उन चीज़ों को जस्टिफाई कर देते हो जो भी आपके ऊपर जो है वीज़ा ऑफिसर ने एलिगेशन लगाए थे या जो आपको रिफ्यूजल रीजन्स दिए थे, अगर आप उसको अपनी कवरिंग लेटर में जस्टिफाई कर देते हो तो जो है आपका वीज़ा इजिली अप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है स्पॉन्सरशिप। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अगर स्पॉन्सरशिप अरेंज कर लूँगा या कोई कंसल्टेंट को बोल देते हैं कि आप खुद स्पॉन्सरशिप अरेंज कर दो किसी से, किसी फ्रेंड की या फैमिली मेंबर शो करके, तो उससे मेरा जो है वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसका जो आंसर है वो नो है। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है या नहीं है तो आपके जो है वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो है सेम रहेंगे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है स्पॉन्सरशिप को कंसीडर नहीं करते, वो आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को ही कंसीडर करते हैं कि आपके पास क्या फंड्स हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, आप कैसे अपने आप को सपोर्ट करोगे। वो ये नहीं देखते कि आपका जो कोई भाई बहन है वो कनाडा में है, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो इन चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है आपकी इनकम के, क्या वो आपकी इनकम को कंसीडर करते हैं? तो इसका भी जो आंसर है वो नो और यस दोनों में आ जाता है, क्योंकि कनाडा का जो राइट नाउ ट्रेंड है वो अच्छा चल रहा है। अगर आपकी कोई ज़्यादा इनकम नहीं है, टैक्स फ्री इनकम है, आप 30-35 हज़ार सैलरी भी ले रहे हो तो भी जो है आपका वीज़ा आ जाएगा। आपने 3.5-4 लाख की कोई ITR बनी भरी हुई है और आपकी नॉमिनल सी इनकम है तो भी वीज़ा ऑफिसर जो है आपको वीज़ा दे रहे हैं। वो कोई ये नहीं देख रहे कि आप बहुत ऊंची पोस्ट पे हो या आप हाई इनकम अर्नर हो कि आप टैक्स पे कर रहे हो 7-8 लाख की इनकम हो, 10 लाख की, वो ये चीज़ें नहीं दे रहे। वो 30-35 हज़ार इनकम वालों को भी वीज़ा दे रहे हैं, एज लॉन्ग यू कैन जस्टिफाई इन योर कवर लेटर और आपके पास इनफ फंड्स हैं टू सपोर्ट योर सेल्फ in Canada while you are visiting. So guys, these are the 7 things you should keep in mind while applying your Canada visitor visa. इसके अलावा हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहे हैं, सो आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।